तो हाल ही में महाकाल की शाही सवारी में शाही शब्द को लेकर खूब चर्चा गर्म थी। कहा गया कि इसके बदले राजसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। फिर ये भी कहा जाने लगा कि कुंभ के शाही स्नान का भी नाम बदलना चाहिए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या शाही शब्द उर्दू का है, क्या ये मुगल काल की याद दिलाता है और क्या इसे बदल देना चाहिए। शाही शब्द पर आपत्ति, क्या यह है राजनीति? महाकाल की सवारी शाही या राजसी, क्या कुंभ के शाही स्नान का भी बदलेगा नाम? महाकाल की सवारी आपने भी एक ना एक बार जरूर देखी होगी, या नहीं तो इसे एक बार देखने की आपकी भी इच्छा होगी। महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो राजाओं जैसी ठाट होती है, इसलिए इसे शाही सवारी कहते हैं। लेकिन अब इसी शाही शब्द पर बहस गर्म है। दरअसल मंदसौर के भगवताचार्य भीमा शंकर शास्त्री का कहना है कि भगवान शिव शाही नहीं, वे भव्य और दिव्य हैं। शाही शब्द से मुगलों यवनों के कालखंड सामंतवाद की झलक मिलती है। इधर भागवताचार्य भीमा शंकर का समर्थन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से धार्मिक कार्यों में शाही शब्द को हटाकर भव्य यज्ञ करने की मांग कर दी। बात निकली तो फिर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और इसका असर मुख्यमंत्री तक के बयानों में दिखने लगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शाही की जगह राजसी शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। राजसी सवारी निकल रही है, ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है, जनता के साथ, आम जनता के साथ। जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। वैसे शाही और राजसी शब्द के भी अपने अपने समर्थक हैं। एक धड़ा शाही शब्द के खिलाफ है तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो शाही शब्द से एतराज नहीं करता। भगवान राजा है इसलिए शाही ठाट से ही उनकी सवारी निकाली जा सकती है, क्योंकि राजा जब निकलते हैं तो वो शाही ठाट से निकलते हैं, इसलिए उसको शाही कहा जा सकता है। कुछ विद्वान लोग भी ऐसे मीडिया के ऊपर या अन्य पे बातें आई है कि विद्वान, उन विद्वानों से भी हम जानना चाहेंगे कि जब वो आज अंग्रेजों के कपड़े वस्त्र पहन के, पैंट और बुशर्ट पहन के जब और अंग्रेजी बोलते हैं और हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो इससे बड़ी लज्जा आती है। वैसे भाषाविद और शिक्षाविद के नजरिए से भी देखे तो इसको लेकर विद्वानों के तर्क बटे हैं। कुछ विद्वान का कहना है कि शाही शब्द इस्लामिक नहीं है, उर्दू भी इस्लामिक नहीं है, यह भारतीय भाषा है, यह तो जबरन का बंटवारा है, उर्दू का जन्म भी भारत में ही हुआ, धीरे धीरे हिंदी संस्कृति निष्ठ होती गई, जबकि उर्दू अरेबियन हो गई। वैसे कई विद्वानों का ये भी मत है कि शाही शब्द का विकल्प हो सकता है। जब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया है, उठा है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, स्थानों के नाम बदल रहे हैं और संस्थाओं के नाम बदल रहे हैं, तो इसमें इस पर भी यदि विचार करते हैं और आत्मचिंतन यदि हो रहा है, मूल में जाना है हमको और हर कोई जाना चाहता है, तो इसमें सनातनी ठीक लगता है। सनातनी अगर वो कहता है सनातन महत्वपूर्ण है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया तो प्रयागराज नहीं था, प्रयागराज का मूल नाम है उसका, तो आरोपित तो नाम तो इलाहाबाद हुआ, तो मूल का उसका, हमारे कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। ऐसे ही वो बनारस बनारस होते होते मूल का वो काशी नाम है, शंकर जी की काशी, तो काशी बहुत बढ़िया शब्द है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो चलाएं। और कई जगह होते, अकेले हिंदी क्षेत्र में जब कुछ होता है तो लोग राजनीति घुसेड़ देते हैं, अन्यथा मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, बम्बई का नाम मुंबई किया, कोई विवाद नहीं हुआ, मुम्बा देवी के नाम पर है वो। नाम बदलने का चलन नया नहीं है, इसके पहले कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं।
होशंगाबाद सिटी का नाम नर्मदापुरम हो चुका है, तो वहीं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति हो चुका है। सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में धार्मिक कार्यों में ऐसे शब्दों को बदलने की मुहिम तेज होने वाली है, क्योंकि शाही शब्द कुंभ के स्नान में भी इस्तेमाल होता है, तो क्या शाही स्नान का भी नाम कुछ और होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।